शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी। आज चर्चा करेंगे फरवरी महीने के राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका फरवरी का महीना, किस तरह की रखनी है सावधानियां और क्या करने हैं उपचार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। इस महीने आपकी आय अत्यधिक बढ़ सकती है। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो नए अनुबंध बनाने और व्यापार के विस्तार में जबरदस्त सफलता का योग बना हुआ है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे और सरकारी क्षेत्र से या पिता से सहयोग अथवा पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु माता और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। संतान के स्वास्थ्य या उसकी पढ़ाई की चिंता हो सकती है थोड़ी बहुत इस महीने। यदि आप भी शिक्षा या प्रतियोगिता में हैं तो कुछ परेशानियां संभव हैं। इस महीने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब देखते हैं क्या करें सावधानी और उपचार। योग और प्राणायाम नियमित करते रहें और ठंडी वस्तुओं के सेवन से परहेज करें। इस महीने किसी भी दिन भैरव मंदिर हो आएं, इससे राहु के प्रभाव में थोड़ी राहत मिलेगी। अपने ऊपर नियंत्रण रखें, विशेषकर नशे और सेक्स के मामले में। शुभ तारीखें जो इस महीने आपके लिए रहने वाली हैं वो हैं 1, 5, 6, 10 और 16, और 2, 4, 12, 21 और 22 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। इस महीने भाग्य पक्ष कुछ आपके लिए कमजोर रहने वाला है। किसी अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, अतः थोड़ा सावधानी बरतें। दूसरों के मामलों में अपनी टांग ना ही अड़ाएं तो बेहतर रहेगा। संतान के स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है और जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको बहुत परेशान करती है इस महीने। व्यवहार से भी उनके आपको कुछ परेशानी होगी। आपसी सामंजस्य बनाने में बहुत कठिनाई महसूस कर सकते हैं आप। यदि आप दोनों में पहले से ही कोई विवाद चला आ रहा है तो इस समय यह बहुत बढ़ सकता है। विशेषकर यदि कुंडली में सप्तम भाव भी खराब है तो विशेष सावधानी बरतें। धन प्राप्त करने में कुछ कठिनाई महसूस होगी। विशेषकर यदि व्यापार में है तो किसी को उधार ना दें, अन्यथा पैसे फंस सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने परिश्रम अधिक और प्राप्ति कम होने की स्थिति बन रही है। भाग्य भरोसे केवल कोई भी कार्य ना करें। क्या करें सावधानी और उपचार? तो यात्रा में निकलने से पहले थोड़ा दही खाकर निकलें और शुक्रवार को पश्चिम की यात्रा से परहेज करें। बहुत ही अगर आवश्यक हो तो माँ काली को लाल पुष्प अर्पित करके बाहर जाएं। योग और प्राणायाम नियमित करते रहने से मानसिक तनाव कम होता है। ठंडी वस्तुओं के सेवन से परहेज करें और घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। शुभ तारीखें जो आपके लिए रहने वाली हैं इस महीने वो हैं 1, 5, 9, 15 और 24, साथ ही 4, 12, 20, 22 और 27 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपके लिए इस समय भाग्य खूब साथ रहेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा और निर्णय सोच समझ कर लेंगे, जिससे आपके बहुत से कार्य बनेंगे। परिवार में किसी प्रकार का विवाद संभव है, जिससे आपको थोड़ा संभलने की आवश्यकता रहेगी। आय खूब होगी इस महीने, लेकिन खर्च भी नियंत्रण के बाहर हो सकता है। प्रयास करें कि भाई या किसी प्रिय मित्र से विवाद ना हो। अत्यधिक प्रसन्नता और आवेग पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बाद में इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कार्य करने वालों के लिए बहुत ही बेहतर महीना है यह। पद और प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि के संकेत ग्रह दे रहे हैं। कार्यस्थल पर भी उच्च अधिकारियों का सहयोग और उनसे आपको सराहना मिलेगी। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतर महीना है, लाभ उठाएं। क्या करें सावधानी और उपचार? तो गलत संगत या गलत लोगों के प्रभाव में आने से बचें और यात्रा के दौरान बिल्कुल नशा ना करें। घर में तुलसी का एक पौधा लगाएं और यदि पौधा पहले से हो तो शाम को एक दीपक वहां जला दिया करें। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताएं और शुक्र संबंधी दान करें। आपके लिए जो इस महीने शुभ तारीखें रहने वाली हैं वो हैं 12, 13, 19, 22 और 28, साथ ही 2 तारीख 4, 5, 9, 17 और 24 को थोड़ा सावधान रहें। आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में।
आपके लिए फरवरी का महीना बहुत ही धन, स्वास्थ्य, संतान और शिक्षा के लिए अच्छा नहीं जाने वाला है। पुरुषार्थ तो बढ़ा चढ़ा रहेगा और भाग्य साथ देगा, लेकिन थोड़ा रुक कर, यानी प्रयास करने के बाद। यदि किसी प्रतियोगिता में आप बैठ रहे हैं तो परिश्रम को और बढ़ाइए, क्योंकि जो सफलता है वो संदेहास्पद है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपको और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। थोड़ा धन हानि का योग भी बन रहा है, अतः जोखिम ना उठाएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट और कमर के निचले हिस्से का। एक बात जो अच्छी रहेगी इस महीने, वह है आपकी बुद्धि और अपनी बातों को बहुत ही विश्वास के साथ रखने की क्षमता। अपनी वाक्पटुता के बल पर आप अपनी समस्याओं से निकलने में सफल रहेंगे, लेकिन इस समय आपको किसी नए कार्य में या किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम लेने से बचना चाहिए। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो हनुमान जी का नियमित दर्शन करना और उन्हें दीपक दिखाना बहुत लाभदायक रहेगा। बंदरों को गुड़ और चने भी खिला दें। हरे और काले रंग से परहेज रखें तथा यात्रा में वाहन सावधानी से चलाएं। नशे से दूरी बनाकर रखें तथा किसी भी धर्म स्थल पर पीली दाल का दान करें। शुभ तारीखें जो आपके लिए रहने वाली हैं इस महीने, वो हैं 11, 17, 21, 22 और 28। 2, 3, 7, 14, 17 और 23 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए यह माह स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है, फिर भी जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा और जो अकेले हैं उनके नए प्रेम संबंध पनपने की भी संभावना बन रही है। आय संबंधी समस्या बरकरार रहने के बावजूद कुछ नए काम के अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन या निवास स्थान में भी परिवर्तन की बहुत संभावना बन रही है। शत्रु थोड़ा हावी रहेंगे और आपको अनजाना भय बना रहेगा। धर्म और पूजा पाठ से थोड़ी विरक्ति होगी और कामोत्तेजना बढ़ेगी इस समय, अतः नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी अनावश्यक परेशानियों में फंस सकते हैं आप। इस माह आपको अत्यधिक करीब के लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर थोड़ा सावधानी भरा महीना है यह। क्या करें उपचार और सावधानी? नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को अर्घ दें। इस समय रुद्राभिषेक का सहारा लेना बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि कई ग्रह प्रतिकूल नजर आ रहे हैं। व्यसन और किसी भी प्रकार की बुरी संगति से बचें, अन्यथा बहुत हानि कर बैठेंगे आप अपना। समय थोड़ा प्रतिकूल है, अतः हर जगह सावधान होकर काम करें। क्या है शुभ तिथियां आपके लिए? तो 1, 5, 7, 14 और 23 तिथियां शुभ हैं और 2, 6, 8, 17 और 26 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं कन्या राशि के बारे में। इस महीने खर्च बहुत बढ़ेगा और कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है। संतान पक्ष से कष्ट और मतभेद हो सकता है। व्यवसाय में भी कुछ हानि होने की संभावना बन रही है, साथ में जीवन साथी के साथ भी संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। अनावश्यक यात्रा का भी योग बन रहा है और वहां से कोई लाभ नहीं नजर आ रहा। इस समय निर्णय लेने में कोई जल्दीबाजी ना करें और वाणी पर बहुत ही नियंत्रण रखें, अन्यथा दूसरों को भी कष्ट पहुंचाएंगे और अपनी भी हानि कर बैठेंगे। नए कार्य में किसी भी प्रकार का हाथ ना डालें। कुल मिलाकर यह महीना थोड़ा मध्यम है, परिश्रम अधिक करना होगा, परिणाम कम आएगा, अतः धैर्य और संयम से काम लें। क्या करनी है सावधानी और उपचार? क्रोध और आवेशित होने से बचें। नशा जानलेवा हो सकता है इस महीने, अतः बिल्कुल त्याग दें, विशेषकर यात्रा के दौरान। संयमित रहें और योग ध्यान का सहारा लें, क्योंकि इससे मानसिक स्थिति संतुलित होती। राहु और मंगल संबंधी दान करें और रविवार और मंगलवार को भैरव मंदिर जाकर दर्शन कर लें। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 3, 9, 12, 16 और 21 और 5, 8, 14 और 22, 28 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें और संभव हो तो यात्रा से बचें। आगे चर्चा करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए भी भाग्य पक्ष कुछ कमजोर है, अतः केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें। आय में कुछ कमी संभावित है, अतः खर्च पर नियंत्रण रखें। शत्रु कुछ बनेंगे लेकिन वो परास्त भी हो जाएंगे। परेशानियों में आपकी आंतरिक क्षमता और दूरदर्शिता बहुत काम आएगी। अपने निर्णय से किसी बड़े व्यापारिक कार्य को अंजाम दे सकते हैं।
संतान पक्ष से कुछ आपको तनाव होगा या वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। शिक्षा में भी कुछ रुकावट के साथ सफलता का योग है। प्रेम संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम संबंध आपका वैवाहिक जीवन में परिवर्तित हो सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में इस समय अच्छी सफलता का योग बना हुआ है, अतः ऐसा कोई कार्य हो तो आप उसे कर सकते हैं। क्या करें, सावधानी और उपचार? तो अत्यधिक गर्म या ठंडी वस्तुओं को खाने से परहेज करें, साथ में शनि संबंधी दान करें। शुभ तारीखें इस महीने आपके लिए हैं 7, 8, 14, 18 और 27 और अशुभ तारीखें हैं 1, 5, 12, 23 और 28। आगे चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि। इस महीने धन हानि का योग बहुत अधिक बन रहा है, अतः आर्थिक मामलों में बिल्कुल जोखिम ना उठाएं। पारिवारिक सुख में कमी, जीवन साथी से मनमुटाव या उनके स्वास्थ्य में कमी रहने की संभावना है। आपका मन अशांत और बेचैनी से भरा रहेगा। इस महीने किसी करीबी मित्र का बहुत ही आवश्यक समय पर आपको सहयोग मिल सकता है। संतान के स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न हो सकती है। यदि आप स्वयं रक्तचाप या दिल के मरीज हैं तो अनावश्यक तनाव ना लें। बहुत सी चीज़ों का जो हल है वो समय स्वतः देता है, अतः बिल्कुल तनाव ना लें। बहुत सी विषमताओं के बावजूद अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा आपको और यात्रा लाभकारी होगी। भाग्य पक्ष कमजोर रहने के कारण समस्याओं को सुलझाने में थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा, अतः धैर्य ना खोएं। कुल मिलाकर समय थोड़ा मध्यम है। क्या करें, सावधानी और उपचार? तो धैर्य, संयम और निरंतरता इस महीने का मूल मंत्र है आपके लिए। गायत्री मंत्र का जप और रुद्राभिषेक करना अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। यदि किसी भी प्रकार के व्यसन में लिप्त हैं तो त्याग दें, क्योंकि यह आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। शुभ तिथियां हैं आपके लिए 6, 14, 15, 22 और 27। 2, 8, 12, 13 और 26 तारीख को थोड़ी सावधानी अपेक्षित है। आगे चर्चा करेंगे धनुराशि के जातकों के बारे में। धनुराशि वालों के लिए इस महीने खर्च की अधिकता रहने वाली है, लेकिन पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। भाई और बहनों से सहयोग मिलेगा। धन के आगमन में कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, फिर भी बुद्धि के बल पर आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप अपने निर्णय से लोगों को प्रभावित करेंगे। पुरुष जातकों को मुश्किल के वक्त में किसी महिला का बहुत सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों में सफलता निश्चित है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस हो सकती है, विशेषकर माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। घर के रख रखाव और मरम्मत में कुछ खर्च होगा और यात्राएं होंगी जो व्यक्तिगत रूप से बेहतर होंगी। समय बेहतर है, लेकिन भाग्य बहुत साथ नहीं होगी, इसलिए धन के मामलों में कोई जोखिम ना उठाएं। क्या करें, सावधानी और उपचार? इस महीने कार्य और व्यापार और नौकरी में यदि सफलता चाहते हैं तो सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करते रहें। उतावलेपन से कोई भी निर्णय ना लें और अपनी माता पिता से संबंध को बेहतर रखें और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। जन्म कुंडली में यदि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो गुरु का वैदिक विधि से शांति कराएं, पीली वस्तुओं का दान करें और स्वयं पीली वस्तुओं से परहेज रखें। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 5, 9, 12, 18 और 27 और 10, 17, 24, 25 और 26। इन तारीखों को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपके लिए खूब धन आने वाला है इस महीने, खासकर यदि व्यापार जगत से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए आय एक से अधिक स्रोतों से प्राप्त होगा। नए अनुबंध बनेंगे। निर्णय लेने की क्षमता इस समय अद्भुत होगी, अतः आपके लिए आपके द्वारा जो लिए गए निर्णय होंगे वो बहुत लाभकारी होंगे। आपका पराक्रम भी खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और धर्म और समाज से संबंधित कार्य आपके द्वारा संपादित होंगे। घर में भी कोई शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है और जीवन साथी से बहुत सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में जो लोग हैं उनमें नज़दीकियां बढ़ेंगी और जो अकेले हैं उनके नए संबंध बन सकते हैं। विपरीत लिंगियों के प्रति बहुत रुचि होगी आपकी समय, लेकिन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ा सतर्क रहें। यदि किसी कार्य को करने की इच्छा अचानक और तेजी से हो तो उसे कुछ समय के लिए टाल दें, अन्यथा हानि की संभावना है। क्या करें, सावधानी और उपचार? तो यह माह आपको विशेषकर विपरीत लिंगियों की ओर बहुत आकर्षित करेगा, अतः अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। राहु संबंधी दान और गणेश भगवान की आराधना
बहुत अच्छा परिणाम देगा। कौन कौन सी हैं शुभ तारीखें आपके लिए? तो 3, 5, 11, 18 और 27 तारीखों को आप बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन 9, 14, 16, 25 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। भाई आपके लिए यह जो समय है वो बहुत अनुकूल नहीं है, शत्रु हावी हो सकते हैं, अतः विवादों से दूर रहें। पारिवारिक सुख में कुछ कमी और जीवन साथी से मतभेद उभरने का योग बन रहा है, अतः घर में सोच समझ कर बोलें और प्रयास करें कि अनावश्यक विवाद ना हो। धन के मार्ग में भी रुकावटें आएंगी, कहीं पैसा फंसने का योग भी बन रहा है, अतः कोई जोखिम ना उठाएं और धन के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतें। उत्तेजना और क्रोध के दौरान कोई भी निर्णय ना लें। इस समय सुदूर यात्रा का योग बन रहा है, साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। क्या करें सावधानी और उपचार? तो स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और खान पान में परहेज रखें। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें और माँ काली की उपासना करें। राहु संबंधी थोड़ा दान भी कर दें। शुभ तारीखें हैं इस महीने आपके लिए 5, 9, 18, 19 और 20। साथ में अशुभ तारीखें जो हैं वो हैं 1, 4, 22, 24 और 25। इन तारीखों को थोड़ी आप सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मीन राशि के बारे में। आपके लिए धन और शिक्षा के मामलों में यह बहुत ही प्रभावशाली महीना रहने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। धन एक से अधिक स्रोतों से आएगा और शिक्षा प्रतियोगिता में भी जो लोग बैठने जा रहे हैं उनके लिए बेहद सफलता का योग बना हुआ है। समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी इस महीने आपकी और नए अवसर भी मिलेंगे। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन या मनचाही जगह पर स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। स्वपराक्रम और आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें बहुत लाभ और सम्मान की स्थिति बनेगी। पिता या बड़े भाई से कुछ मनोमुटाव या विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह बहुत बढ़ेगी नहीं, अर्थात नियंत्रण में रहेगी। क्या करें सावधानी और उपचार? अचानक कहीं से बुलावा आए कि भाई यहाँ आ जाइए, तो वह उससे आपको बचना है, वहां तुरंत ना जाएं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। व्यसन करते हो, विशेष कर यदि शराब, तो त्याग दीजिए उसको, आपके लिए हितकर रहेगा। शुभ जो तारीखें हैं आपके लिए वो हैं इस महीने 4, 5, 13, 19 और 23। साथ में 7, 15, 21, 26 और 27 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। तो यह था फरवरी महीने का राशिफल आप सभी राशियों के लिए। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर। आप तब तक एस्ट्रोसेज टीवी देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए। आपसे विदा लेना चाहता हूँ पुनः मुलाकात के वादे के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।